पहले ही बॉल पे पहला ही छक्का मतलब दूसरी बॉल पे दूसरा छक्का, तीसरी गेंद पे चौका, मतलब कंट्रोल थी गेम। मतलब कि मुझे खुद भी लग रहा था कि रियाज अहमद एक अच्छा खिलाड़ी है। मतलब पिछले सीज़न जो वन मैन आर्मी जिसे हम कहते थे उस टाइम, आपको लग रहा था कि आज मैं मैन ऑफ द मैच आऊँगा ना? इसीलिए हर कोई क्रिकेट मैन ऑफ द मैच के लिए नहीं खेलता। हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो उम्मीद है मुझे आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह सबको सलाम दीजिए। आज एकदम मैंने कंडी के ग्राउंड में अपना व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज एक बड़ा मैच होने वाला है हमारे इस ग्राउंड में, बिटवीन गढ़बुका और पावर हिटर्स ओलुसा के दरमियान। तो देखते हैं कौन जीतेगा और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो लेट्स एंजॉय, और साथ साथ आप भी अपना प्यार दिखाते हैं ना। फिलहाल वहाँ से एक टीम आ गई, गढ़बुका की टीम आ गई और ओलुसा की टीम भी आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो ग्राउंड स्टाफ भी अभी बाहर ही वेट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहेगा, वो सब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आगे। लेट्स एंजॉय। ये हो गया जी यहाँ पे विकेट गिरी और टीमस भी आ गए, वहाँ से चेंज करते हैं पावर हिटर्स ओलुसा और वहाँ से है जी गढ़बुका। यहाँ पे बहुत ही जोश में लगे हैं। विंड की वजह से इन पे बैलेंस नहीं लगाया। तो जी टॉस गढ़बुका ने जीता और उन्होंने बैटिंग चूज़ की और यहाँ पे ओलुसा वाले फील्डिंग करने आए हैं, मशोया चल जाए इनके बीच और वहाँ से बैटिंग करने आएंगे गढ़बुका वाले अभी। और आज के जो एम्पायर रहने वाले हैं, एक तो मैं और दूसरा मिस्टर गोशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी के साथ बॉल आ गई जी, हटे हेडफोन से शिकल आया। तो चलो फिलहाल मैच स्टार्ट हो गया और हम भी अपना काम जारी रखते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे फील्डिंग सजाते हुए वो बैट्समैन भी अपने क्यूज पे आ गया। Out, out, out. A few moments later. तो जी फाइनली मैच भी ख़त्म हो गया और आज का मैच था मैच मिस्टर नसीर अहमद सा आ गया है जी। इससे हम पूछना चाहते हैं कि आप मैन ऑफ द मैच
आ ही गए। क्या आप बता सकते हो कि आपको लग गया था कि मैं मैन ऑफ द मैच आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि आपके टीम में बहुत से खिलाड़ी थे जैसे रियाज अहमद, जिस पे मतलब मैं मुझे अगर मैं खुद की बात करूँ कि मुझे खुद भी लग गया था कि रियाज अहमद एक अच्छा खिलाड़ी है। मतलब पिछले सीज़न का जो विनर यहाँ था लास्ट सीज़न 2020 का, जो वन मैन आर्मी जिससे हम कहते थे उस टाइम, आपको लग गया था कि आज मैं मैन ऑफ द मैच आऊँ या ना? इसीलिए हर कोई क्रिकेट मैन ऑफ द मैच के लिए नहीं खेलता, क्रिकेट वो होता है जो क्रिकेट अच्छी तरह से खेले और जो लोगों को दिखाए कि हाँ मुझमें टैलेंट है, मैं खेल सकता हूँ। बाकी मैन ऑफ द मैच जो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं आऊँ, मैंने अच्छी मेहनत की, अच्छा खेला, इसलिए मैं आज जिस अंदाज से आप पहले आए हो, मतलब आज ओपन बैटिंग आपने की, अक्सर मैं देखता हूँ जब भी आप हमारी टीम में खेलते हो तो मैं देख रहा हूँ कि आप सभी वन डाउन या टू डाउन खेलते हो, आज अचानक से आप ओपन बैटिंग करने के लिए आए हो, मतलब ये टीम का मशवरा था या आपने खुद मतलब खुद से पूछ के सोचा कि मैं आज मतलब ओपन खेलूँ? के लिए टीम का डिसीजन था, उन्होंने कहा कि आप ओपन जाइए और मैंने एक्सेप्ट किया। गोया कि टीम को भी आप पे नजर थी कि आप कुछ कर पाओगे, एक विकेट भी आपने हासिल की, मतलब स्टार्टिंग मैं तो चार ओवर करता था, बट यहाँ पे कुछ यंग यंगस्टर्स हैं, उनको आज हमने मौका दिया बॉलिंग करने के लिए, उनकी अच्छी बात है, बट आपने जब भी मतलब जूं ही आप आए हो ग्राउंड में, पहले ही बॉल पे पहला ही छक्का आपने मारा, मतलब दूसरी बॉल पे दूसरा छक्का, तीसरी गेंद पे चौका, मतलब कंट्रोल ये मतलब वो किस अंदाज से आप आए थे? ये T20 क्रिकेट होता है, ऐसा ही है, बस आ जाओ खेलो ठीक तरह से, शॉट सिलेक्शन हो जाए खेलते रहो। ओके विश यू बेस्ट। तो ये थे जी नसीर अहमद, जो आज के मैन ऑफ द मैच है, और इस व्लॉग को कहते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर कर सकते हैं, नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।